सी जजेस आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट ओनली। ज्योति जी, ज्योति अरोड़ा जी, आपको आपको क्या लग रहा है किस तरीके से हेल्प करेगा, और आपको क्या लगता है कि जो रद्द करने की मांग है छात्रों की, क्योंकि जो मैक्सिमम याचिकाएं हैं उसमें यही मांग की गई कि इसको रद्द कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स की मांग है कि एग्जाम को दोबारा से करवाना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे कि ये तो क्लियर हो रहा है, जिसमें एनटीए भी ये बात मानता है कि हाँ पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से एग्री कर रही है। तो सर लीक तो हुआ है, ये तो तय है, अब कितने बड़े पैमाने पे हुआ, कितने छोटे पैमाने पे हुआ, ये सर लीक तो लीक है ना, अब उसका फायदा चाहे चंद लोगों ने लिया है या ज्यादा लोगों ने लिया, कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट तो हटा ना वहां से। सारी लड़ाई जो है रैंक की है, पूरे इंडिया में 55,000 सीटें हैं, चलिए इस बार कुछ नए कॉलेज इंट्रोड्यूस हुए, मैं कहती हूँ 60,000 सीटें हैं, स्टार्टिंग के 60,000 बच्चों का रैंक उठा के देख लीजिए ना सर, कहीं ना कहीं नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को एडजस्ट किया गया है, लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया है, और जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं कड़ी मेहनत के बाद में, जब वो आज अपनी मेहनत से तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में जब वो 630-640 नंबर लेकर आते हैं तो उनका रैंक चला जाता है 50,000, 60,000, 70,000, जो कि असंभव हो जाता है बच्चों के लिए एक सरकारी कॉलेज लेना। तो सर चीटिंग तो चीटिंग है, खून की सजा तो सर सजा तो सजावे, खून करो या साथ खून करो, आप कहो जी बड़े पैमाने पर हुआ है तो ही इस चीज को रीनीट होगा, छोटे पैमाने पे हुआ है तो इसको हट जाएगा। एग्री करती हूँ कि रीनीट करवाना इतना इजी टास्क नहीं है, और ऑल अराउंड जुलाई एंड चल रहा है तो रीनीट होना इतना इजी भी नहीं है सरकार के लिए, एनटीए के लिए कि रीनीट की घोषणा की जाए, लेकिन एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के 1 लाख कैंडिडेट है उनके ऊपर काम किया जाए कि ये बच्चा बेसिकली कैलिबर कैंडिडेट है भी या नहीं भी है। नॉन कैलिबर कैंडिडेट 12th में फेल है और नीट में टॉप कर रहे हैं, कैसे संभव है? बाद वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हाई रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, दे नो कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और हमको प्राइवेट कॉलेज में इतने लाख की फीस देके ही एडमिशन संभव है। मेन लड़ाई जो होती है वो सरकारी सीट की लड़ाई है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं काजल के पास चलूंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये क्लेम किया जा रहा है कि 24 लाख लोग बच्चों का एग्जामिनेशन जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये तो रेगुलरली इस तरीके के एग्जाम्स हो रहे हैं, एनटीए को बनाया गया इसी पर्पस के लिए, अगर उसको 15 दिन 20 दिन महीने में अगर वो नहीं कर सकते हैं तो देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन एनटीए। और दूसरा ये कि कैपेबिलिटी उनके पास है, एंड वेदर वी शुड लिव विद स्टिग्मा और वी शुड लिव विदाउट स्टिग्मा, क्योंकि अगर आप ये पुश कर देंगे ये एग्जाम, लेकिन ये कलंक तो लगा रह जाएगा। आप बोल रहे हैं कि जैसे प्रूव नहीं हो रहा है, डिस्प्रूव भी तो नहीं हो रहा है, तो चॉइस क्या है हमारे पास? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स पहुंचे उससे अच्छा है कि हाँ इसको दोबारा से आयोजित कराया जाए परीक्षा को, जैसा कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा ज्योति जी, काजल के पास चल रहा हूँ। काजल खुद नीट एस्पिरेंट है और मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा जो दर्द है शायद वो कोई भी नहीं समझ पा रहा होगा। काजल आप लोग क्या चाह रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है, इसके बाद किस तरीके से आपको लगता है कि आपके लिए पॉजिटिव जाएगा? सर सबसे पहले तो जो सब बोल रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, कहीं कोई लिमिटेड जगह पे हुआ है, ये तो रिजल्ट देख के ही पता चल रहा है कि लीक हुआ है, वो भी बड़े स्केल पे हुआ है। अब हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है तो स्टूडेंट कहाँ से प्रूफ लाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास तो कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो जिसे हम बोले कि आप हमें ये प्रूफ ला के ये चेकिंग करके दीजिए कि वहाँ पे ये मिल सकता है आपको। तो हमें जो करना है वो हमें खुद करना है। और उससे भी बड़ी बात, चाइना से हमारी बनती नहीं है, पर हमें उससे सीखना चाहिए कि वहाँ पे एक भी पेपर लीक का केस नहीं होता, जबकि वहाँ पे हमारे से ज्यादा स्टूडेंट पेपर देते हैं। इस साल जो हुआ हुआ, पर आने वाले टाइम में भी हमें सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, और इस साल रीनीट इसलिए कराना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स अगर चले जाएंगे तो अभी जैसे एम्स पटना, एम्स रांची, जोधपुर से स्टूडेंट्स पकड़े गए जो सॉल्वर गैंग में, ये स्टूडेंट क्या करेंगे? इलाज तो कर नहीं पाएंगे, नहीं तो सिर्फ डिग्री खरीद के दीवार पे लगानी है कि हम यहाँ से डॉक्टर बन के आए हैं, ये भी तो फिर वैसे ही काम करेंगे, और इससे हेल्थ सिस्टम इंडिया का कितना खराब हो जाएगा, आप ये सोचिए। अगर आप बोल रहे हैं कि लीक, एक तो हमारे पास कोई वैसा एविडेंस नहीं क्योंकि हम कलेक्ट कर नहीं सकते, पर जिस स्टूडेंट ने 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया वो बोल रहा है, क्योंकि उस स्टूडेंट को पता है, उसके टीचर को पता है, उसके पेरेंट्स को पता है कि लीक हुआ है पेपर। अगर नहीं हुआ है तो वो
ऐसे रिजल्ट जो अगर मेरा रिजल्ट देख ले, मेरी 15,000 रैंक आनी चाहिए थी पर 56,000 आई है, इसमें MBBS तो दूर, मुझे BDS में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो टॉप 1.5 लाख बच्चों की बात हो रही है, कई कई स्टेट्स में ये भी है कि रिजर्वेशन कोटा भी हो जाता है और स्टेट डोमिसाइल लगा के कट ऑफ कम चले जाती है, उन बच्चों को भी प्रॉब्लम है। तो हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो ये रिजल्ट सेंटर वाइज निकला है, इसका जो अभी हमारी तरफ से जो ग्रुप जो हमारी काउंसिल की हेल्प कर रही होंगी, कर ही रही है, तभी तो लॉयर्स इतना क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, डेटा दे पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो जो अभी रिजल्ट निकला है उससे कुछ ना कुछ हेल्प होगा। आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो? यस सर, चाहते हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से, CJI सर से पूरी उम्मीद है। जो अंधा कानून, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन जी रजनीकांत की, वो इमेजिनरी फिल्म है, पर उस कहानी को हकीकत नहीं बदलने देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमें पूरी उम्मीद है। अश्विनी सर, अश्विनी दुबे जी जी, ये तय करना कि जो लीक है वो छोटे स्तर पे हुआ या एक बड़े स्तर पे हुआ, क्या इतना आसान होगा इस रिजल्ट को जारी किए जाने के बाद भी? नहीं, देखिए ऑनरेबल, सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम को लेकर के